हेलो, माई सेल्फ कर्मा पाल। आज का हमारा टॉपिक है रैम्स इनपुट चेंज। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ इनपुट चेंजेस। फर्स्ट था हमारा स्टेप इनपुट चेंज, सेकंड हमारा रेक्टेंगुलर इनपुट चेंज, थर्ड है हमारा रैम्प इनपुट चेंज। स्टेप इनपुट चेंज हमारा कहाँ पर होता है? जहाँ हम सडनली किसी भी बॉल्व को फुल्ली ओपन या क्लोज कर देते हैं, जिसमें हमारा टाइम बिल्कुल ना के बराबर लगेगा। सडनली किसी भी बॉल्व को फुल्ली ओपन या करने पर इनपुट में जो चेंजेस आएगा वो हमारा रहेगा स्टेप इनपुट चेंज। उसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट है रैम्प इनपुट चेंज। रैम्प इनपुट चेंज हमारा क्या रहता है, किस वजह से होता है? जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल बताया था, बाइक राइडर थे, बाइक की स्पीड को कम करने के लिए डी एक्सीलरेटर का यूज़ किया था, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसने स्पीड को हमारा धीरे धीरे डिक्रीज किया था। इसी तरीके से आपका टाइम के साथ कोई भी ग्रेजुअली चेंजेस रहेगा वो हमारा रैम्प इनपुट चेंज कहलाएगा। टाइम के साथ ग्रेजुअली चेंजेस हमारा इनपुट में रैम्प इनपुट चेंज कहलाएगा। एग्जांपल में हमारा कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडस्ट्री में, हमने देखा एक साल में इतनी बढ़ रही है, सेकंड में दूसरी, और ये हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जा रही है, इकोनॉमिक हमारी इंक्रीज करती जा रही है। सेकंड एग्जांपल आपका पॉपुलेशन, आप पर ईयर पॉपुलेशन को अगर कैलकुलेट करते हो तो आप देखोगे कि वो आपका टाइम के साथ इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं इनपुट में किसी भी टाइप का ग्रेजुअली चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है वो हमारा रैम्प इनपुट चेंज कहलाएगा। ग्राफ में आपने देखा हमने इनपुट लिया है एक्स टी, और एक्स टी का हमने ग्राफ बनाया है विद रेस्पेक्ट टू टी, आपका ये स्लोप बनाया है। ये स्लोप हमारा क्या दिखा रहा है? अगर टाइम हमारा जीरो है, एक्स टी हमारा जीरो, अगर टाइम हमारा वन होगा तो एक्स टी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। देन अगर हमारा टाइम आगे बढ़ के 20 हो रहा है, 40 हो रहा है, अगर 20 होगा तो भी हमारा क्या है, एक्स टी की वैल्यू बढ़ेगी। फिर हमारा 40 होगा, फिर हमारी एक्स टी की वैल्यू प्रीवियस डाटा से इंक्रीज करेगी। मतलब टाइम के साथ ग्रेजुअली हमारा इनपुट में जो चेंजेस आएगा वो हमारा रैम्प इनपुट चेंज कहलाता है। एक एग्जांपल आप अपने घर के, घर का जो दरवाज़ा होता है उस पर हमारा जो रैम्प बना होता है क्या होता है, आप जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते चले जाओगे तो आप क्या होगा, जो आपके टाइम के साथ साथ क्या होगा, आपका भी ग्राउंड लेवल से इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया जो नॉर्मली हम डेली यूज़ में देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो स्लोप है, स्लोप हमारा 80 है, 80 हमारा नेचर के साथ चेंज हुआ इनपुट का। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया एक्स टी इक्वल 80 एट अ टाइम ग्रेटर देन जीरो, जैसा बिल्कुल ग्राफ में दे रखा है। अगर हमारा टी से ऊपर जाएगा, सॉरी टाइम हमारा जीरो से ऊपर जाएगा तो हमारा फंक्शन 80 हो जाएगा, और यही हमारा टाइम से कम रहेगा तो हमारा फंक्शन जीरो रहेगा। एक्स टी की वैल्यू हमारी है 80, इसका हम लाप्लास निकालेंगे, ए हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने लिख लिया, टी का लाप्लास हमारा होता है 1/s², तो आपका एक्स एस हो गया a/s². थैंक यू।